हेल्थ के लिए, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए आयुर्वेद कैसे काम कर सकता है। अभी मैंने योगा का प्रेजेंटेशन देखा, बहुत प्रभावित हुआ। राजस्थान में हम लोग पता नहीं क्यों, जानते हुए भी कि योगा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। नेचुरोपैथी अभी हम बात कर रहे थे वाइस चांसलर साहब से भी और हमारे प्रमुख शासन सचिव जी से कि मेरे क्या राजस्थान एक टूरिज्म हब है, इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल लाखों की संख्या में आता है। एक सर्किट बना हुआ टूरिस्ट का, जो दिल्ली आएगा, आगरा जाएगा, जयपुर आएगा, राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में भी जाएगा। जहां जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजस्थान में है वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के योगा नेचुरोपैथी के सेंटर्स अगर हम डेवलप करते हैं, जहां पंचकर्म की सुविधा भी हो। केरला जो कि पंचकर्म के मामले में बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट देने वाला स्टेट है, लेकिन अभी मुझे बताया वाइस चांसलर साहब ने कि पंचकर्म की हमारे यहाँ भी बहुत उत्कृष्ट सेवाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी इसको हम अगर कोरिलेट करते हैं टूरिज्म के साथ और एक कार्य योजना बनाते हैं, तो न केवल हिंदुस्तान के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग टूरिज्म के पर्पस से जो आएंगे उनको चिकित्सा का भी काम महत्व और उसका भी लाभ मिल सकेगा। और जो हमारा प्राचीनतम पद्धति है, क्योंकि आज सेमिनार तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और जापान वहीं के डेलीगेट्स हमारे बीच में है। हमारी इच्छा है कि अगले नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेमिनार हो और भी देशों में हमारी इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार हो, लोगों में विश्वास पैदा हो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे कि ये पद्धति जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कारगर पद्धति है, प्राचीनतम पद्धति है और नेचुरल केयर के हिसाब से बहुत ही उपयोगी मानव जीवन के लिए है। बहुत कुछ मैं इस अवसर पर बाकी लोगों ने बोला है, मैं तो सिर्फ दो चीजों पर आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो तरह की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, एक है क्रॉनिकल डिजीज जिसमें किडनी, हार्ट का, हाइपरटेंशन का, आपका डायबिटीज का, कैंसर है। कैंसर पर अगर आयुर्वेद शोध करे, आज ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था और उसमें राजस्थान पत्रिका आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, उसमें जो शोध हुआ है इटली में कहीं हुआ थी, इसराइल में वो कह रहे हैं कि हम अभी तक ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उन्होंने चूहों पे इसका प्रयोग किया है पहले, एक साल बाद शायद कोई उनके रिसर्च का परिणाम आए और ये लाइलाज बीमारी पे हम काबू पा सकते हैं, ऐसे अच्छे संकेत मिलना शुरू हुई है। एक तो क्रॉनिकल डिजीजेस हैं, इन पे हमारी रिसर्च अलग हो। एक हमको सबसे ज्यादा जो परेशानी का कारण बना है ये मौसमी बीमारियां हैं। आज भी मैं यहाँ हूं तो मैं पश्चिमी राजस्थान के सारे जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, इन तमाम इलाकों में हम इसलिए घूम रहे हैं कि स्वाइन फ्लू का, मौसमी बीमारी का प्रकोप पूरे राजस्थान के अंदर फैल रहा है। ये मुझे खुशी है बात कहते हुए कि एलोपैथी में तो टेमीफ्लू एक दवाई है जो इसको प्रिवेंट करने में काम आ रही है भी, लेकिन आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने भी जिस ढंग से राजस्थान में काढ़ा वितरित किया है,
स्कूलों में काढ़ा पिलाया, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, थिकली पॉपुलेटेड प्लेसेस पे, प्रिवेंशन में इस मौसमी बीमारी के आयुर्वेद विभाग ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप जब यहाँ आए हैं तो ये मौसम के हिसाब से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बराबर राजस्थान में हमारे सामने आता है। इस सीजन में स्वाइन फ्लू है तो अगले सीजन में डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। आज ही कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आयुर्वेद में इनका कारगर तरीके से कैसे हम इलाज कर पाए, कैसे मृत्यु दर इस मौसमी बीमारी की उसकी हम रोकथाम कर पाए, दो तरह की रिसर्च पे आप लोगों का अगर डेलिब्रेशन होगा, चर्चा में अगर कुछ अच्छी चीज आएगी तो आने वाले समय में हम क्रोनिकल डिजीज को भी काबू में ले पाएंगे और मौसमी बीमारियों का भी माकूल तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। मैं आप सब लोगों का ध्यान, अभी दो दिन पहले हमने, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे बच्चों से लेके और बड़ी उम्र तक की, हमारे बच्चे हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज की तारीख में है एनीमिया, एनीमिया की प्रॉब्लम। आप किस तरह से इस चुनौती में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जो स्लोगन हमने दिया है एनीमिया मुक्त राजस्थान का, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अप टू मार्क नहीं होगा, तो उसी कंडीशन में आपकी जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपको मौसमी बीमारी की चपेट में भी आएंगे, क्रॉनिकल डिजीज की संभावनाएं भी बढ़ती है। दूसरा अभियान हमने नशा मुक्ति का शुरू किया है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गुटखा, खैनी और नशीली चीजों के सेवन में पूरा जो हमारी समाज है, सोसाइटी है, छोटी उम्र के बच्चों से लेके और ये नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये नशा मुक्ति के कार्यक्रम में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, प्रिवेंशन में कैसे हो सकती है, उनको नशे से मुक्त करने में कैसे हो सकती है, इन विषयों पे भी आने वाले तीन दिनों में आप लोग चर्चा करेंगे, आपके निष्कर्ष से हमको अवगत कराएंगे। मैं आप सब लोगों का एक बार राजस्थान की इस धरती पर इस विभाग का मंत्री होने के नाते, विशेष तौर से जो मेहमान हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आए हैं, जापान से आए हैं, सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। यूके, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट इन्फॉर्म टू मी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और जापान, इन तीन देशों से जो आए हुए हमारे अतिथि हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। और जिन लोगों ने अपने कठिन परिश्रम से पब्लिकेशंस के माध्यम से किताबें लिखी है वो भी साधुवाद के पात्र हैं। योगा के लिए अभी मैंने जो देखा, योगा टीचर आपके बहुत अच्छे हैं और वो नए टीचर्स और यहाँ पैदा करेंगे जो राजस्थान में योगा का और विकास हो, लोगों को ये इस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स जाए पूरी जगह, पूरे राजस्थान में और देश में, तब जाके हम लार्ज स्केल पे इसका लाभ मिल सकेगा हम आदमी को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, विश्वविद्यालय को समृद्ध करने के लिए जो आपने संकल्प दिया है हमको, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, उसके बीच में एक सूचना आपको देना चाहता हूँ।